हेलो दोस्तों, अगर आप सऊदी में हो और अभी तक जो है कोरोना की जो वैक्सीन है आपने नहीं लगवाया है और आपको जो है कोरोना हो गया है, जब कोरोना आपको हो जाएगा तो जब आप रिकवर होंगे तो आपके तबाकलना के अंदर डेट लिख के आ जाएगा कि आप 6 महीने के बाद जो है वैक्सीन लगवा सकते हो, उससे पहले आप वैक्सीन नहीं लगवा सकते हो। अगर आपने कोरोना का वैक्सीन एक लगवा लिया है उसके बाद जो है आपको कोरोना हो गया है, उसके बाद रिकवर होंगे तो आपको जो है वैक्सीन कंप्लीटेड जो है लिख के आएगा, आपका जो है वैक्सीन जो है पूरा हो गया है। नहीं तो डेट लिख के आएगा कि आप इतना महीने के बाद जो है आप वैक्सीन लगवा सकते हो। वैसे ही दोस्तों, 6 महीने के बाद ही जो है आप वैक्सीन लगवा सकते हो कानूनी तौर पे, तबकलना के अंदर डेट लिख के आ जाता है। जब आप तबकलना ओपन करोगे तो लिख के आता है नीचे, आप ध्यान से देखिएगा। तो दोस्तों, आप तबकलना को छोड़ दीजिए, आप सयाती एप्लीकेशन को ओपन कीजिए और करेक्ट 1 महीने के बाद जो है सयाती एप्लीकेशन को ओपन करके आप जब कोरोना की वैक्सीन बुकिंग करोगे तो आपका जो है वैक्सीन बुकिंग हो जाएगा। ऐसे मैं इसलिए बोल रहा हूँ दोस्तों, मेरे साथ ऐसा हो गया है, मैंने एक भी वैक्सीन नहीं लगवाया था और मेरे को जो है कोरोना हो गया था। तो जब मैं तबकलना ओपन किया तो उसमें बता रहा था कि 6 महीने के बाद जो है आप वैक्सीन लगवा सकते हो, उससे पहले नहीं। तो दोस्तों, मैंने करेक्ट 1 महीने के बाद जो है सयाती एप्लीकेशन से जो है वैक्सीन बुकिंग किया है और दोनों वैक्सीन जो डेट है मिल गया है मेरे को। पहला मिला है 17 जुलाई को, उसके बाद दोस्तों 28 अगस्त को दूसरा वैक्सीन मेरे को बुकिंग हो गया है। तो दोस्तों, अगर आपको ऐसा प्रॉब्लम आता है तो आप इस प्रॉब्लम को इस तरीके से जो है सॉल्व कर सकते हो और अपना जो है वैक्सीन बुकिंग कर सकते हो। तो दोस्तों, यहीं करते हैं वीडियो समाप्त, फिर मिलेंगे कुछ नए वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।